Assalamu alaikum, I hope you are enjoying good health. If you are new in our channel, then subscribe us and like our videos. Oh, where are you going to make this video with much effort? This was the full video. Thank you, my dear friends, for only being on Instagram. Subscribe my channel. Try this experience, so amazing. And please subscribe my channel and please watch the full video. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। आज मैं आपको बनाकर देने चेक बिस्किट, यानी कि चेक वाले बिस्किट। आपने बेकरी में ज़रूर देखे हुए होंगे, मैं बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे आपको बनाकर दिखाती हूँ। और कोशिश किया करें आप ज़्यादा चीज़ें घर में बनाया करें, क्योंकि बिहाइंड द सीन आपको क्या पता होगा क्या 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 चीज़ें अंदर यूज़ करते हैं, और वो ज़्यादा नीट भी नहीं होती हैं। तो अपने हाथ से चीज़ बनाया करें और आप सेटिस्फाइड भी होते हैं कि चीज़ अपने हाथ से बनाई और ज़्यादा साफ़ सुथरी भी है। तो किया करें घर में बनाया करें, ज़रूरी नहीं है ओवन में। ओवन के बगैर चूल्हे पे भी ये चीज़ें बन जाती हैं। और इसके लिए मैंने 1.5 कप फाइन फ्लोर लिया, यानी कि मैदा लिया है। आम जो है कोई इसके अंदर चीज़ ऐड नहीं है। 1/2 कप मैंने आइसिंग शुगर ली है। आप घर में जो आम चीनी होती है वो भी लेके इसको पीस सकते हैं। ब्राउन शुगर भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने बनस्पति ली है, और इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर मैं लूँगी। 1 टेबल से 2 टेबलस्पून भी इसमें कोको पाउडर ऐड हो सकता है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस एंड 1 एग। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी नाशपाती, और 1 एग मैं इसमें ऐड करूंगी। इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी और मैं पहले इसको मिक्स कर लूंगी ताकि ये उड़े नहीं। जो ड्राई फॉर्म में चीज़ें होती हैं वो आप ड्राई में ही ऐड किया करें। ये देखिए, ये ड्राई तकरीबन 1 टेबलस्पून है, थोड़ा सा मुझे कम नहीं है। ये आपने इसके अंदर ऐड करना है, इसे करके आपने इसमें मिक्स कर लेना है। 1 पिंच इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, ये बैलेंस रहता है जो टेस्ट होता है। ये कोको पाउडर है, कोको पाउडर आपने जितने चॉकलेटी कलर लेकर आना होता है ना, आप उतना उसमें ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून ऐड करें, 3 टेबलस्पून ऐड करें, आपने आप ये डिपेंड करता है। आप मैं 2 टेबलस्पून ऐड करती हूँ, अगर मुझे कम लगा तो मैं और भी ऐड कर दूँगी।
हैं, वन पिंच मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये हमारा इधर तैयार हो गया। अब इसमें वनीला एसेंस है वो मैं इधर ऐड करती हूँ, वन टीस्पून। वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और साथ ही वन पिंच मैं सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करती हूँ। ये आपकी डो की तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप लिक्विड में नहीं आपका आना चाहिए। अगर लिक्विड में हुआ तो आपके बिस्किट नहीं सही बनेंगे। ये इसी तरह करते मैं सारा इसी में ऐड कर देती हूँ। यह अपने बीटर नल के मदद से इसको सही तरीके से ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ आके आपने इसको इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना, इक्वल आपने डिवाइड करना है। इस तरीके इधर कर लेते हैं, एक आपने इस तरीके से रहने देना। इसमें मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी, वन टेबल स्पून। मैं देखती हूँ जितना कलर इसका आता है उसके हिसाब से मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। इस तरीके से करके आपने इसमें अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि ये कोको पाउडर है इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। Thank you.
आपने इसी के आपने इसमें पानी से ब्रश करना है ताकि ये साथ है। अगर रखते होगा आपके साथ ये टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, ये फिर जुड़ जाती है। अब आपने इधर वाटर से ब्रश करना है ताकि ये साथ बिल्कुल ज्वाइन रहे। अब ये देखिए, ये इधर वनीला का नीचे ऊपर चॉकलेट और इधर नीचे चॉकलेट ऊपर वनीला, आपने इस तरीके से रखना है। अगर आपके पास बड़ी सी बेकिंग डिश है तो आप उसमें कटिंग करके या इसी तरीके से पहले फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से रख दें, जब थोड़ा सा चिल हो जाए तो आप फिर कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके। आपने इतनी रख के बिस्किट की कटिंग करनी, इतनी क्योंकि ये बेकिंग पाउडर अंदर होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए, अब बताएं आप, बेकरी से भी ज्यादा जबरदस्त बने हैं। वाओ लवली, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। बस मैं थोड़ा सा इसको चिल होने दूँ, फिर मैं इसको रैक पे रखूँगी। ये जितने अच्छे होंगे इस तरह सौगी हो जाते हैं, इसके ऊपर आप रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होंगे। जैसे जैसे ये चिल होंगे तो बहुत ज़बरदस्त होंगे, अमेजिंग। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चाय के साथ ज़रूर। वाओ, बहुत इस वक्त हॉट है, अभी तो हाथ भी नहीं लग रहा। जबरदस्त, देख लें, ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इधर ये भी रेडी, ये भी ज़रा अभी हॉट है, ये देखिए, ये उसका साइज हमने ज़रा थोड़ा सा, ये देखिए इतना रखा है। अब इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये थोड़ा सा उससे कम रखा है, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो आप फौरन इस तरीके से रख के आप एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं, उससे ये तो जितने दिन मर्जी आप रखें और चाय के साथ सर्व करें।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए आप। If you like our recipe, then like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon because my next video will come first to you. Thank you, my dear friends. Follow me on Instagram and subscribe my channel. Try this recipe. It's so amazing. And please subscribe my channel. Happy wonderful video. And please subscribe my channel. Thank you.